नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। आज एनडीए सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना से आम लोगों के हुनर को पहचान मिली है। इस योजना से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार के मौके मिले हैं। इस मौके पर उन्होंने नमो ऐप के जरिए इन लोन का फायदा उठाने वाले लोगों से बातचीत भी की। पीएम ने मुद्रा योजना में लोन पाने वालों से बात करते हुए देश का पैसा लेकर भागने वालों पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने कहा कि छोटे लोग ईमानदारी से पैसा वापस कर देते हैं, जबकि बड़े लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं। लोगों से बात करते हुए पीएम ने खुद को चाय वाला बताया और ऐसे छोटे लोगों की तारीफ की जो ईमानदारी से पैसा चुका देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। ये दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और उनके दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। केरला लोकसभा उपचुनाव में 73 बूथों पर 30 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। केरला उपचुनाव में वीवीपीएटी खराब होने की वजह से इन सीटों पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। नकुर की 23, गंगो की 45, थाना भवन की 1, शामली की 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की दर्जन भर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि ईवीएम में कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वीवीपीएटी मशीन में दिक्कतें आई थी, जिन्हें पोलिंग पार्टी द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपचुनाव में मतदान के दौरान कई शिकायतें मिली हैं। इसमें वीवीपीएटी और ईवीएम मशीनों को लेकर शिकायत भी मिली थी। इसके चलते कई लोग मतदान तक नहीं कर पाए और उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह मशीनें खराब हैं और मशीनें काम नहीं कर रही हैं। इससे तो संदेह ही हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बीजेपी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले अमित शाह बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर संपर्क फॉर समर्थन के तहत गुरुग्राम के पूर्व थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के घर पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को ही मानते हैं। स्वराज ने अमेरिकी प्रतिबंध का ईरान और वेनेजुएला से भारत के तेल आयात पर असर पड़ने के सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड ने तय समय से पहले ही परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल परीक्षा में 86.7% बच्चे पास हुए हैं। वही लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 88.67% रहा तो वहीं लड़कों का प्रदर्शन 85.32% रहा। गुरुग्राम के प्रखर मित्तल ने 499 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मानसून समय से 3 दिनों पहले केरल में दस्तक दे चुका है। सूबे के तटवर्ती इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में कई अन्य इलाकों में भी बारिश होगी। तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी तेज बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 महीने के भीतर पूरे भारत में मानसून का असर दिखने लगेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में एक बार फिर जानलेवा तूफान आया है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं की वजह से 43 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में 19, यूपी में 12 और झारखंड में 12 लोगों की मौतें हुई हैं। बिहार के गया, कटिहार और औरंगाबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यूपी के उन्नाव में भी आंधी तूफान का कहर दिखने को मिल रहा है। इस तबाही में कई लोग घायल हुए हैं। अपने सिलसिलेवार बयानों में कभी सुर्खियां बटोर रहे तो कभी विवादों में खड़े रहे
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। परीक्षण के बाद भारतीय मंत्रियों का रवैया पाकिस्तान को लेकर बदल गया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसके जवाब में परमाणु परीक्षण किया तो अचानक भारत का रवैया फिर से बदल गया। परमाणु परीक्षण के 8 महीने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर की यात्रा की थी। बाबा रामदेव BSNL के साथ मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में उतरेंगे। स्वदेशी सिम कार्ड लॉन्च के मौके पर उन्होंने इस बात की घोषणा की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में केवल पतंजलि के कर्मचारियों को ही ये सिम कार्ड मिलेगा। करीना कपूर खान ने अपने हालिया बयान में कहा कि मैं समानता में विश्वास करती हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नारीवादी हूं। नारीवाद की परिभाषा पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसकी गलत व्याख्या की गई है। मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। नारीवाद का मतलब समानता है और इसका मतलब कोई किसी से बेहतर नहीं है। बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार डॉटर्स में से एक है। जाह्नवी कपूर डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग खत्म कर चुकी हैं और कुछ ही दिनों में फिल्म का प्रमोशन शूट भी शुरू कर देंगी। इसी बीच उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो रिसेप्शनिस्ट की तरह दिखाई दे रही है। कैटरीना कैफ ने इंस्टा स्टोरी पर जाह्नवी की एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो जिम के रिसेप्शन पर कॉल रिसीव करती नजर आ रही हैं। दिन भर की खास खबरों में साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।